आज हम आपको बताने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 में ऑफिस बटन के बारे में। ऑफिस बटन में कौन कौन से मेनू टूल्स होते हैं, क्या किसका यूज है, कौन से मेनू टूल्स का क्या यूज है, वो बताएंगे हम आपको। सबसे पहले नंबर हम ऑफिस बटन को ओपन करना है तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे विंडो के साथ आर करना है और यहाँ पे आपको लिखना है विन वर्ड, WIN विन WORD, ठीक है, और एंटर कर देना है। ये देखिए ऑफिस वर्ड खुल गया 2007, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं क्योंकि हमारी स्क्रीन थोड़ी ये बड़ी है, तो इसको हम बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये ले ले, इतना बड़ा ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है हमें बताना है, हम बताएंगे आपको ये जो है ऑफिस बटन के बारे में, ये जो टूल्स दिए गए हैं इनका क्या यूज है ये बताएंगे, ठीक है। तो ऑफिस बटन में जो है सबसे पहला नंबर हम ये आपको बताएंगे कि यहाँ पे पहले कुछ लिख लें, यहाँ पे जाते हैं, अभी लिखते नहीं है, बाद में बताएंगे, पहले इनके बारे में बताते हैं। ये न्यू है, न्यू पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे आपको विजेट मिलते हैं, यानी कि टेम्पलेट्स मिलते हैं। और ये टेम्पलेट्स क्या होते हैं, जैसे कि जैसे ये विजेट ये फॉर्मेट होते हैं, तो यहाँ से आप इनको लेना चाहो तो ले सकते हो। जैसे आप इस पर क्लिक करो इस टेम्पलेट पर, तो यहाँ पर मिल गया। इसी तरह आप जो भी चाहो ले सकते हो, तो हम यहाँ पर ब्लैंक पर क्लिक कर देते हैं ऊपर में, और यहाँ पे आप जाइए ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर दो, और यहाँ पे ये साइड में दिख रहा है ना ब्लैंक, पूरा कोरा पेज दिख रहा है, और यहाँ से आप इसको क्रिएट कर दो। इस तरह से आपके ये ब्लैंक पेज ओपन हो जाएगा। और अगला ऑप्शन ये है ओपन का, जैसे हम पहले से कोई प्रोग्राम या फाइल या वर्ड फाइल कोई सेव करके रख दिए हैं तो उसको ओपन पे जाके हम यहाँ से ओपन करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह क्लिक करेंगे और यहाँ से ओपन कर लेंगे, ठीक है, ओपन हो गया। अब उसके बाद जैसे मुझे इस पर कोई काम करना है, ये नहीं चाहिए, इसको क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे जाते हैं हम सेव करना है, तो सेव का काम क्या होगा, जैसे हम न्यू फाइल लिए तो यहाँ पे हम पहले कुछ लिख देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों लिखने के लिए हम इसको टू रैंडमली लिख देते हैं कुछ भी यहाँ पर, और वर्ड हमारा आ जाएगा, आप इसको लिख देना और इंटर कर दो, ठीक है। तो तीन पैराग्राफ का ये आ जाएगा, ठीक है, तीन पैराग्राफ आ गए। अब इसको क्या करना है, सेव करना है। तो सेव करने के लिए क्या करना है, ऑफिस बटन पे जाना है, यहाँ सेव पे क्लिक कर दीजिएगा, ओके। सेव करने के बाद ये जो साइड में ऑप्शन दे रहे हैं, यानी कि ये जो टूल्स आ रहे हैं इनको, ये इसका मतलब ये हो कि इनमें कहीं कहाँ आप रखना चाहते हैं इसको सेव करके, ठीक है। तो आप किसी भी टूल्स पे, जैसे कि मुझे डेस्कटॉप के टूल्स पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे मुझे डेस्कटॉप पे रखना है, ठीक है। और यहाँ पे फाइल नेम दे रहा है, तो इस फाइल को किस नाम से रखना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम फाइल का नाम दे देते हैं कुछ भी, जैसे मान लो देना है मुझे कोई भी चीज़ें दे देना है यहाँ पे, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे ROHAN रोहन के नाम से इसको हम सेव कर देते हैं, ठीक है। सेव एज टाइप, इसको किस टाइप में सेव करना चाहते हो, तो वर्ड डॉक्यूमेंट्स के टाइप्स में रहेगा, इसको सेव करना है। और यहाँ पे देखो दोस्तों, जैसे कि हम आपको इसमें क्या करना है, आपको फाइल में पासवर्ड लगाना बता रहे हैं, तो फाइल में पासवर्ड लगाना है तो यहाँ टूल्स पे जाओ और यहाँ जनरल ऑप्शन पे जाओ, इस पर क्लिक करो। देखो एक तरीका यहाँ से बता रहे हैं और एक तरीका आपको प्रिपेयर में बताएंगे, प्रिपेयर में पासवर्ड कैसे फाइल में लगाते हैं वो दिखा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जाना है और यहाँ पर 123 पासवर्ड इंटर करना है, फिर 123 इंटर कर दो, ठीक है, और यहाँ से इसको सेव कर दो, ओके। अब इसको हम क्लोज कर देते हैं, ये लो क्लोज कर दिया, ओके। अब यहाँ से एमएस वर्ड फिर से चाहो तो आप ओपन कर लो, या तो रन में जाके ले लो, या तो यहाँ से डायरेक्ट आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ओपन पे जाइए और यहाँ से आप जो है ओपन पे क्लिक करो, जहाँ भी सेव करके रखे हो, हम डेस्कटॉप पे रखे थे रोहन के नाम से, ये रही फाइल, इसको ओपन कर लेते हैं। अभी पासवर्ड मांग रहा है 123 इंटर, देखो ये वही फाइल है, ओपन हो गया, हो गया ना। अब उसके बाद क्या करना है, इसको यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि इसमें कुछ और नीचे ऐड कर देते हैं, ये देखो पहले हम समझ लेते हैं हम क्यों लिखेंगे, है ना। तो देखो यहाँ पे सेव है और सेव एज है, तो सेव फाइल में क्या होता है, अब दोबारा ये वो ऑप्शन नहीं आएगा, और सेव एज में आता है, लेकिन सेव का यूज किया, अगर दोबारा आप सेव करोगे, अगेन आप सेव करना चाहते हैं, तो क्या होता है कि जैसे मान लो अभी आप यहाँ पर कुछ लिखो, ठीक है, ये लिख दिया आपने कुछ भी, और इसी में इस तीन पैराग्राफ के अलावा इसको भी आप इसमें रखना चाहते हो, इसी नाम में रोहन के ही फाइल में इसको सेव करके रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप सेव कर सकते हो। इस तरह से हमने सेव कर दिया इसको, ठीक है। बट अगर ये जो एक्स्ट्रा आपने बढ़ाया, इसको रोहन के फाइल में नहीं
और किसी के फाइल में इसको सेव करना चाहते हो, तो ये दो तीन, ये जो चार पैराग्राफ आ रहे हैं और किसी के फाइल में आने चाहिए, किसी के नाम से रख देना है ताकि मुझे उसके नाम में ये चारों दिखाए पैराग्राफ, यानी कि ये लाइनें दिखाए, एक्स्ट्रा जो बढ़ा है वो भी और ये जो पुराना ये भी। बट रोहन वाली फाइल में जो है ये तीन ही पैराग्राफ होने चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं बढ़ने चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होता है, ये तो हमने चार कर दिया है, तो यहाँ पे हम कुछ और बढ़ा के दिखा देंगे आपको। देखो जैसे यहाँ पे कुछ भी लिख लो, इसको कर लिया। अब इसको क्या करते हैं, हम किसी और के नाम से सेव करना है, यहाँ तो सेव एज पे जाना है और यहाँ पे क्या करना, देखो आ गया ना डायलॉग बॉक्स ओपन ओपन होके दूसरा, तो यहाँ पर रोहन की जगह पे रितेश कर देना, RITESH रितेश कर देना। कहाँ रखना है, डेस्कटॉप पे ही, डेस्कटॉप टूल्स में जाके यहाँ डेस्कटॉप पे क्लिक कर दो और रितेश के नाम से फाइल नेम हमने चेंज कर दिया। पासवर्ड वही आप चाहते हैं तो यहाँ पे, अगर आप वही पासवर्ड चाहते हैं तो वही रहने दो, आपको सिर्फ पता होना चाहिए। अगर पासवर्ड अगर आप भूल गए हो तो फाइल आपको डिलीट करना पड़ेगा, अदरवाइज दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको सेव कर दो। अब इसको हम क्लोज कर देते हैं, एक बार ओपन करके देख लेते हैं। ठीक है, इसको क्लोज कर दिया और यहाँ पे देखो डेस्कटॉप पे यहाँ पे रितेश के भी नाम से और रोहन के नाम से भी ये दोनों फाइलें हैं, तो यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं रितेश, और ये भी पासवर्ड मांगेगा, तो यहाँ पे वही पासवर्ड देना जो पासवर्ड हमने पहले वाले में दिया, क्योंकि हमने पासवर्ड चेंज नहीं किया था। ठीक है, तो इस तरह से ये ओपन हो गया। और यहाँ पे आ जाओ फिर ओपन पे, आप यहाँ से डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे और यहाँ पे रितेश की फाइल को क्लिक करके ओपन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें देखना है किसका, रितेश का ही फाइल ओपन है, मुझे रोहन वाली फाइल को ओपन करना है। ठीक है, अब ये देखो रोहन की फाइल भी पासवर्ड मांग रहा है, तो यहाँ पे इसको एंटर कर दो। तो रोहन की फाइल में अब दोनों में देखना क्या है, यहाँ पे देखो हमने एक ही रोहन में बढ़ाया था, उसके उसमें जो था क्या बोलते हैं, इसको थोड़ा मिनिमाइज कर दो या यहाँ से मैक्सिमाइज करके हटा दो इसको, ये देखो। तो इसमें देखो, इसमें देखो, तो ये जो है पहले वाली फाइल है, यानी कि ये जो है रोहन के नाम से है और ये जो है रितेश के नाम से। ठीक है, तो ये दोनों में ये फ़र्क है, हमने सेव एज किया तब जाके हमें दूसरी फाइल दूसरे के नाम से सेव कर पाए, और हमने सेव कर दिया तो ये उसी में फाइल सेव हो गया था। ठीक है, तो ये फ़र्क होता है सेव और सेव एज में। सेव एज का मतलब ही होता है कि किसी और के नाम से भी सेव करना उस फाइल को डुप्लीकेट, तो आप किसी और के नाम से भी सेव कर सकते हैं, पहले वाला जो जिसके नाम से हो तो रहेगा ही, बट ये फाइल और किसी के नाम से भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब आगे क्या है इस पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आप जो है ये प्रिंट है, तो प्रिंट में क्या है, प्रिंट प्रीव्यू, कभी भी अगर हम कोई भी प्रिंट निकाल दें तो प्रिंट निकालने से पहले हमें प्रिंट प्रीव्यू जरूर कर लेना चाहिए। प्रिंट प्रीव्यू करने के बाद, चेक कर लेने के बाद ही प्रिंट निकालना चाहिए। इससे फ़ायदा क्या होता है कि इससे क्या होता है, आपका पेज बचेगा, आपका टाइम बचेगा, और जो होता है कि इसमें आपको कोई कमी होगी तो यहाँ पे दिख भी जाएगा। तो इससे क्या होता है कि जब प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो आपको मार्जिन जो होती है, मार्जिन आपको समझ में आ जाता है, मार्जिन हमने सही लगाया गलत लगाया, हमने जो डेटा टाइप किया सही साइज़ है या नहीं साइज, उसकी जो साइज़ हमने दिया वही है या नहीं है, सही दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, एक पेज में आ रहा है या दो पेज में आ रहा है, कहीं से कट तो नहीं रहा, हमने जस्टिफाई किया है या नहीं किया है। ये देखो जस्टिफाई का मतलब क्या होता है, इस साइड से इक्वल दिखा रहा है तो इस साइड से भी इक्वल दिखाना चाहिए। ठीक है, इसको जस्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल ए कर दो, कंट्रोल ए करने के बाद कंट्रोल जे कर दो। अब देखो दोनों साइड से इक्वल हो गया, और यहाँ से ऑफिस बटन में जाके प्रिंट प्रीव्यू कर लो। आप देखो दोनों साइड से बराबर दिख रहा है, ये होता है जस्टिफाई। और इस तरह से पेज अब निकालोगे तो आपको देखने में भी अच्छा लगेगा और जो पढ़ेगा उसे भी अच्छा लगेगा। इस तरह से हम इसे प्रीव्यू करके चेक कर लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे फिर ऑफिस बटन पे जाइए और यहाँ प्रिंट पे क्लिक करिए। क्विक प्रिंट पे क्या होता है कि इसका यूज होता है, जैसे कि आपको कुछ नहीं करना, ये डिटेल आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी है, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, इसमें कुछ करना नहीं होता, डायरेक्ट मतलब जो जैसे पेज है जैसे जो सेटिंग है इसकी डिफ़ॉल्ट रहती है, तो वो ऐसे प्रिंट निकाल देता है, कटा है पिटा है कुछ भी, एक पेज में आ रहा है दो पेज में आ रहा है वो ऐसे ही निकाल देगा। बट यहाँ प्रिंट पे आप जाते हैं, तो प्रिंट पे जाने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे सबसे पहले नंबर प्रिंटर नेम चूज करना होता है, और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे पेज नंबर दिया गया, करेंट पेज, ऑल पेज, तीन सब का मतलब क्या होता है, ऑल का पेज जैसे आप 8-10 पेज कुछ भी बनाए हो तो सभी को निकालना चाहते हैं आप, तो यहाँ पे इस पर क्लिक करके सारे पेज को प्रिंट निकाल सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे पेज में क्या होता है, जैसे मान लो 50 पेज है तो 50 पेज में से क्या करना चाहते हो आप, एक नंबर का पेज निकालना चाहते हो, चुनिंदा पेजेज ही निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 5 नंबर का पेज, 7 नंबर का पेज, 11 नंबर पेज, जो जो पेजेज चाहिए उन 50 पेजों में से, 1 to 50 पेज के पेज में से जो भी निकालना है आप यहाँ पे इस टाइप से टाइप करके निकाल सकते हो, यहाँ से ओके कर देना, प्रिंट निकल जाएगा। ठीक है, अब अगला स्टेप है
प्रिपेयर का, तो प्रिपेयर पे जाने के बाद यहाँ पे हमें इस फाइल में प्रोटेक्ट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था टूल्स में सेव करते समय बताया था, जनरल ऑप्शन में जाके, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड हमने इसमें पहले दे दिया था। तो यहाँ पे जाने के बाद पासवर्ड हमें अगर चेंज करना है तो इसका पासवर्ड हम चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से 456 कर देते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं, फिर यहाँ पे 456 देन ओके कर दो। तो इस तरह से इसमें पासवर्ड डाल दिया। अब इस फाइल को जो है यहाँ से क्लोज कर दो और यहाँ से इसको सेव करना है, नो नहीं यश कर देना है, ठीक है, क्योंकि हमने चेंज किया है। तो वो फाइल जो थी क्या, रितेश वाली फाइल थी कि रोहन वाली फाइल तो पहले से खुली है। तो यहाँ पे आप रितेश वाली फाइल को ओपन करो, तो यहाँ पे पहले पासवर्ड हमने डाला था 123, तो 123 टाइप करके देख लेते हैं, 123 इंटर, गलत बताया है ना। तो हमारा जो पासवर्ड है इसको हटा देते हैं, फिर से हम इसको ओपन कर लेते हैं, ये देखो। और यहाँ पे देखो जैसे कि हम पासवर्ड डालेंगे 456 और यहाँ से इसको ओके कर दो, ये देख सकते हो आप खुल गया। तो इस तरह से हम प्रिपेयर का भी यूज करते हैं। तो चाहे हम पासवर्ड प्रिपेयर में जाके लगा सकते हैं और यहाँ चाहे क्या बोलते हैं सेव में जाके या सेव एज में जाके जनरल ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से लगा सकते हैं। सेंड का काम होता है भेजना दोस्तों, जैसे कि आप इंटरनेट फैक्स करते हो या ईमेल करते हो, तो आउटलुक पे आप ईमेल कर सकते हो और इंटरनेट फैक्स करना है तो यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक क्लोज है, क्लोज कर सकते हो। यहाँ से वर्ड ऑप्शन पे जाना है तो आगे आपको बताएंगे इसका यूज क्या होता है, और आपको यहाँ से बाहर निकलना है तो यहाँ से आप बाहर निकल सकते हो इस तरह से। धन्यवाद दोस्तों।